जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम है डियर फ्रेंड। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में टू पार्ट्स है, फर्स्ट सेकंड, साथ में हमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है। हमें चारों में से बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। देखो लिखा है एपी 1074। देखो 30 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, एपी 1074 का 30वां पद है। और सेकेंड क्वेश्चन लिखा 11 टर्म ऑफ द एपी -3 -2 इज, एपी -3 -2 का 11वां पद है। देखो यहाँ मैं आपको पहले ऑप्शन से समझाता हूँ, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास आ जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ हमारे पास नंबर लिखा 1074, यहाँ नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और हमें निकालना 30 नंबर। जैसे ही आपने 4 की बात करेंगे अपने क्या देखेंगे, नंबर नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आएगा तो आपको ये समझ आना है, कभी भी अगर आप तुक्के भी लगाओ तो आपको ए और बी का तो आंसर नहीं लगाना है, आंसर कौन सा होगा सी या डी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अगर आप बाई चांस सॉल्व नहीं कर पाओ एग्जाम या टाइम नहीं मिले तो ये ध्यान रखना ए और बी तो आपने नहीं लगा सकते कि यहाँ 1074 नंबर डिक्रीज हो रहा है। और जब 30 नंबर्स तक हमने फाइंड करेंगे तो वैल्यू माइनस में आती जाएंगी, तो ए और बी ऑप्शन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर या तो सी हो सकता है या डी, एज इट इज़। यहाँ देखो -3 -2, देखो यहाँ माइनस में चलता हुआ नंबर अब किस में आ गया प्लस में। अब प्लस में नंबर आ गया तो कभी भी अब आगे जब हमें कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो नंबर माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सी और डी दो तो आंसर पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास में ये 2-2 ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से कौन सा आंसर लगाओगे। अब देखो अब अपने सॉल्व करते हैं, हमारे पास अब 4 नहीं कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है। देखो 2 ऑप्शन तो कट हो गए, ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो लिखा है AP 1074 और यहाँ लिखा है कौन सी टर्म है, या 30 टर्म्स। देखो कभी भी TS लिखा आ जाए 30वां पद 30 टर्म्स, तो यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। देखो A हमारे पास कितना है 10, ये हुआ A1, ये A2 और ये A3। D कैसे निकालते हैं, A2 - A1, यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 7 - 10, कितना आ जाएगा -3। एक नंबर प्लस में और एक माइनस में, तो नंबर को माइनस करेंगे 10 - 7 3, बिगर वैल्यू का साइन माइनस है तो -3। अब देखो ये जो 30 दे रखा है ये हमारे पास क्या है एन है, यहाँ गलती होने के साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं कि अपने ए एन लिख देते हैं, ए एन नहीं है ये एन है 30 टर्म। जब भी TS लिखा आ जाए 30वां पद लिखा आ जाए तो इसका मतलब ये एन है 30 हमारे पास। हमें फाइंड करना है कि लास्ट जो 30वां पद है 30 टर्म्स है वो कौन सा नंबर होगा, तो हमें फाइंड क्या करना ए एन लास्ट टर्म या अंतिम पद, हमें क्या फाइंड करना है इसमें ए एन हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू में ए प्लस n-1 × d। a हमारे पास कितना हो जाएगा 10 प्लस n कितना होगा 30 - 1, d हमारे पास कितना आ गया -3। अब देखो 10 प्लस 30 - 1 29 - 3, 29 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 9 = 27, 3 2 = 6 + 2 = 87। 10 में से 87 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -77। तो अपना आंसर क्या आया -77। कहा था ना मैंने आपको हमारे पास 4 ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है सी और डी, ए और बी तो हमें पता है कि ये आंसर आ ही नहीं सकता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा -77। अब देखो ये आ गया हमारे पास ए एन लास्ट टर्म। अब अपने फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो इस बात का ध्यान रखना है, या गलती होने के चांस रहते हैं कि अपने इसको एन लिखे या ए एन, जब भी टी एच लिखा आ जाए, जब भी लिखा आ जाए 30वां पद, तो यहाँ हमारे पास एन है ये नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो लिखा है जैसे -3, इसका सेकंड नंबर क्या है -3, माइनस का हाफ, फिर लिखा है 2 और हमें कौन सी टर्म दे रखी है 11th टर्म, तो ये क्या है A1, A2 और ये A3। ए हमारे पास कितना हो गया देखो -3, D कितना हो जाएगा A2 - A1, A2 कितना है -1/2 और -3,
देखो जब भी यहाँ माइनस और यहाँ एवन भी माइनस दो साइन आ जाए तो इसको ब्रैकेट में रखना है। यहाँ गलती मत कर देना कि माइनस लिखा हुआ है तो अपने इस माइनस को भूल जाए, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस थ्री अपॉन वन। जब भी डिवाइड में नंबर आ जाए तो उसको एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो टू, टू की टेबल में टू, वन टाइम्स वन, वन जा वन, वन की टेबल में टू, टू टाइम्स टू, थ्री जा सिक्स, सिक्स माइनस वन कितना हुआ, फाइव अपॉन में टू। डी हमारे पास कितना आ गया, फाइव अपॉन में टू। एन हमें कितना गिवन है, इलेवन। एन हमें कितना गिवन है, देखो इलेवन। हमें फाइंड करना ए एन, ए एन कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए कितना है हमारे पास, माइनस थ्री। एन कितना है, इलेवन माइनस वन। डी हमारे पास कितना है, फाइव अपॉन में टू। माइनस थ्री प्लस टेन मल्टीप्लाई फाइव अपॉन में टू, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, माइनस में थ्री प्लस में ट्वेंटी फाइव। जब दो डिफरेंट साइन आ जाए तो हमें क्या करना है, उस नंबर को माइनस, ट्वेंटी फाइव में से थ्री माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ट्वेंटी टू। और बिगर वैल्यू का साइन क्या अपने पास, प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में ट्वेंटी टू। अब देखो मैंने आपको बताया था हमारे पास दो ही ऑप्शन है, अगर तुक्के भी लगाना चाहो तो अपने पास दो ही ऑप्शन में से आप लगाओगे, चार में से आप नहीं लगा सकते, दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर, ट्वेंटी टू। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी ट्वेंटी टू। तो इस बात का ध्यान रखना, जब टी एस लिखा आ जाए या तीस हुआ पद, यार हुआ पद, तो ये कौन सा होगा, हमारे पास एन गिवन है, ए एन नहीं गिवन। यहाँ गलती इसी बात की होती है कि अपने इसको ए एन लिख देते और हमारा आंसर मैच होता नहीं है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।